हेलो गाइस, मायसेल्फ अभिलाष मिश्रा, कंप्यूटर ट्रेनर। माय यूट्यूब चैनल न्यू वर्ल्ड कंप्यूटर क्लासेस में आपका स्वागत है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपलोड आपको मिलता रहे। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम जानेंगे कि टैली में लिमिट कैसे सेट करते हैं। सेट क्रिएट लिमिट जो डेप्टर होता है हमारा, जैसे हम डेप्टर की लिमिट को हम कैसे सेलेक्ट करेंगे और उसमें हमारा कि ज्यादा हमने लिमिट है उसकी 50,000, 60,000, 70,000 लगा देंगे तो उससे ज्यादा का माल हम नहीं देंगे, तो हम उसको कैसे सेट करते हैं। तो आइए आज हम जानते हैं कि टैली में हम लिमिट कैसे सेट करते हैं। मैंने यहाँ पे देखो टैली या मैंने यहाँ पे टैली मिनिमाइज कर रखी, इसको मैक्सिमाइज करते हैं। सबसे पहले हम इसे कोई भी टॉपिक करने से पहले हमें कंपनी बनानी होगी, तो मैंने यहाँ पे लिमिट नाम से ही कंपनी बना देता हूँ। किसके नाम से बना देता हूँ? लिमिट के नाम से ही। लिमिट क्या लिख, लिमिट नाम से मैंने कंपनी बना दी है। यहाँ पे मैंने बधाइयों लिख दिया, यहाँ डाल दिया बधाइयों डाल दिया, और मुझे यहाँ पे उत्तर प्रदेश डाल दिया मैंने। सही, उसके बाद मैं इसको एंटर एंटर करके एक्सेप्ट करा दूंगा, मेरी कंपनी बन के तैयार हो जाएगी। कंपनी बनने के बाद, तैयार होने के बाद यहाँ पे मुझे फ्यूचर ऑन करने होते हैं। क्या करने होंगे मुझे? फ्यूचर ऑन। तो मैं यहाँ पे क्या F11 और F1 को दबाऊंगा, F11 और F1। ऐसे मैंने F11 और F1 पे क्लिक करा तो मुझे यहाँ पे एक फ्यूचर को यस करना होगा। ये है वो वाला फ्यूचर, मेंटेन बजट्स कंट्रोल यस। किसको? मेंटेन बजट कंट्रोल को यस करना होगा, और मुझे यहाँ पे एंटर एंटर करके इसको एक्सेप्ट कराना होगा। मैंने यहाँ एक्सेप्ट करा दिया। अब मुझे यस सी से बैक जाना पड़ेगा। अकाउंट्स बैक जाने के बाद मुझे लेजर बनाने, अकाउंट्स इन्फो में जाऊंगा मैं। तो लेजर बनाने के लिए आपको पता है कि 4 लेजर बनाने होते हैं। मैंने पहले परचेस का लेजर बनाता हूँ। परचेस अंडर किसके अकाउंट में जाएगा? परचेस अकाउंट के। दूसरा जो लेजर बनाना होगा वो हमें सेल्स का बनाना होगा। सेल्स अंडर सेल्स अकाउंट में जाएगा। तो अब यहाँ पे मुझे तीसरा जो बनाना होगा मोहन का बनाना होगा। किसका? मोहन का। तीसरा मैंने राम का बनाना, तीसरा मैंने बनाया यहाँ पे राम का। किसका बनाना है? राम का, क्योंकि राम मेरा संडी क्रिएटर। तो हम यहाँ पे क्रिएटर की लिमिट सेट नहीं करेंगे। किसकी नहीं करेंगे? क्रिएटर की लिमिट सेट नहीं करेंगे। देखो यहाँ पे क्रिएट लिमिट आ रहा, तो यहाँ पे क्रिएटर की लिमिट को सेट नहीं करेंगे। सिर्फ हमें किसकी करनी होगी? डेप्टर की लिमिट को सेट करना होगा। तो मैं यहाँ जैसे मैं मोहन का ऑप्शन वो बनाऊंगा लेजर, तो यहाँ पर संडी डेप्टर डालूंगा। डेप्टर डालते ही मुझे मोहन की लिमिट को सेट करना होगा। तो मैंने यहाँ पे 50,000 रुपए की मोहन की लिमिट को सेट कर दिया, और मुझे एंटर एंटर करके क्या कर दिया, मैंने इसको एक्सेप्ट करा दिया। और मुझे यूएससी से बैक जाता हूँ, बैक मैन पेज पे जाने के बाद मुझे इन्वेंट्री इन्फो में जाकर एक आइटम बनाना होगा। स्टॉक आइटम में जाना है, क्रिएट करूंगा। मैंने यहाँ पे बना लिया फोन बना दिया। ये भी हमारे हार्डवेयर में आता है, तो अल्ट के साथ मैं यहाँ पे हार्डवेयर को ओपन करूंगा, इसे मैं एक्सेप्ट कराऊंगा। फिर मैं अल्ट के साथ दबाना होगा, तो मैं यहाँ पे पीस लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ से एंटर एंटर करके इसको भी एक्सेप्ट करा दिया। अब मुझे क्या हुआ, मेरी लिमिट सेट भी हो गई है, मेरे लेजर भी बन गया, मेरा आइटम बन गया है। तो मुझे यस सी से बैक करूंगा, मैन पेज पे जाऊंगा। मुझे बेचना या वो करना तो मैं यहाँ पे आएगा अकाउंटिंग वाउचर में जाऊंगा। परचेस के लिए मुझे F9 दबाना होगा। तो पार्टी अकाउंट नेम क्या? पार्टी अकाउंट नेम में मेरे यहाँ पे राम पड़ेगा, और यहाँ पे मुझे क्या फोन लेना होगा, क्योंकि मैंने फोन नाम का बनाया है। तो मैंने 10 फोन खरीदे हैं। मैंने एक फोन का जो मूल है वो मैंने 5,000 रुपए रखा है, और मेरे पास 50,000 रुपए के ये फोन हो गए। अब मुझे यहाँ पे मुझे 10 फोन बेचने हैं, मुझे सेल्स करने हैं। तो मैं यहाँ पे जब मैं सेल्स करूंगा तो 10 फोन जब मैं बेचूंगा तो ये मना कर देगा, क्योंकि मैं 50,000 से ज्यादा का माल बेचूंगा इसके लिए। तो मैंने यहाँ पे लिया, अगर मैं इसको 10 फोन लेता हूँ और मैंने यहाँ पे ये 5,000 की जगह 6,000 के बिजनेस स्टार्ट कर दिए, तो यहाँ पे ये मुझे मना कर देगा कि जो आपकी सेट क्रिएट लिमिट है वो कितनी है? 5,000 की है। तो यहाँ पे मुझे क्या है, फर्स्ट फोनों को मुझे कम करना होगा। तो यहाँ पे ये लिमिट का ऑप्शन आ गया, पहले आपने जब करा था ये लिमिट का ऑप्शन नहीं दे रहा था पिछले टॉपिक्स में जब आपने करा था। तो मुझे यहाँ पे क्या है, 10 पीस किया, कितने पीस करने होंगे मुझे? 8 पीस। तो 8 सिंह 48,000 रुपए का हो गया, क्योंकि हमारे 50,000 से कम है, और एंटर एंटर करके एक्सेप्ट करा दिए। अब हम ESC से बैक जाएंगे मेन पेज। अब मुझे देखना है कि मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे, प्रॉफिट और लॉस देंगे। तो मुझे नेट प्रॉफिट 8,000 रुपए का हुआ है, ठीक है। अब मुझे देखना है कि नेट प्रॉफिट जो हुआ है, मेरे पास स्टॉक समरी कितनी बची। तो नीचे स्टॉक समरी आई, इस पर क्लिक करेंगे, एंटर मारेंगे।
तो मैं यहाँ पे क्या इनवर्ट मैंने 10 पीस खरीदे थे 50,000 के, आउटवर्ट में मैंने 8 बेच दिया 48,000 के, 2 पीस मेरे पास बचे हैं 10,000 रुपए के, वो पीस बचे हैं और मैंने 48 के बेचा, तो इसलिए मेरे 8,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो ये चीज सब पैक करके हम मेन पेज पे चले जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, आपको मेरी क्लासेस कैसी लगी, प्लीज से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपलोड आपको मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।